हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लाई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आप लोगों के लिए और आपके पैरट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बरसात का मौसम आ चुका है और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, ज़रूरी टिप्स हैं या कह लो ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है और फॉलो भी करना है। बरसात का मौसम आया मतलब पहले जैसा टेम्परेचर भी नहीं रहा, टेम्परेचर में भी चेंजेस आया। तो अचानक से टेम्परेचर की चेंज हो जाने से भी पैरट या एनिमल या बर्ड्स का तबीयत ख़राब हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर वन, बारिश के मौसम में कभी भी अपने पैरट को बाहर ना रखें और ना ही अपने पैरट को भीगने के लिए छोड़ें। अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो कभी कभार भीगने के लिए रख सकते हैं, पर हमेशा ये गलती कभी मत करना, तबीयत ख़राब हो सकता है बर्ड्स का। पॉइंट नंबर टू, बारिश के मौसम में आप जो भी खाना देते हैं अपने पैरट को, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिक्स सीड्स, उसको आपको बहुत देर तक या बहुत घंटों तक नहीं रखे रहना है। 3 घंटा बाद चेंज कर दीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में फूड में फंगस जल्दी लगते हैं जिसे खाने से पैरट जल्दी बीमार पड़ सकता है। और ट्राई कीजिए बारिश के मौसम में मिक्स सीड्स और नट्स भी इंक्लूड कीजिए डाइट में। पॉइंट नंबर थ्री, पैरट को वीक में 1 से 2 बार ही नहलाना है, बेहतर होगा अगर आप एक बार नहलाएं तो। पॉइंट नंबर फोर, बारिश के मौसम में हेल्थ एंड हाइजीन का खास ख्याल रखें। पैरट के केज को वीक में 1 या 2 बार जरूर पानी से वॉश कीजिए, क्योंकि हम लोग जो खाना देते हैं केज में उस खाने से छोटे छोटे पिल्लू आ जाते हैं। प्लस जैसे ही आप सुबह पैरट को केज से निकालते हैं, साथ ही साथ न्यूज़पेपर जो बिछाते हैं केज में या फिर वेस्ट ट्रे और खाना जो देते हैं उसे भी निकाल लेना है। ज़्यादातर बैक्टीरिया वेस्ट ट्रे की वजह से ही आता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव जो कि लास्ट पॉइंट रहेगा। पैरट्स का डिस या फिर बोल जिसमें हम लोग खाना या पानी देते हैं उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही खाना या पानी दीजिए। तो मैं यहीं एंड करती हूँ वीडियो को। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।